लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। सावधान, जल्द ही होने वाला है कुछ ऐसा जिससे कांप उठेगा पूरा देश। मचेगी भारी तबाही, नई दिल्ली पृथ्वी पर एक बार फिर तबाही की जद में आ गई है। यह दावा देश के चार बड़े संस्थानों ने एक अध्ययन के बाद किया है। इन संस्थानों के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि देश में 8 से ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है जिससे भारी तबाही मच सकती है। यह अध्ययन देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, नेशनल सेंटर फॉर अर्थ सीस्मिक स्टडीज केरल और IIT खड़गपुर ने किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये भूकंप धरती के अंदर होने वाली हलचल और इसके प्रभावों के कारण आएंगे। वाडिया संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक और जियोफिजिक्स के प्रमुख डॉक्टर सुशील कुमार ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वैज्ञानिकों ने वर्ष 2004 से 2013 के बीच कुल 423 भूकंपों का अध्ययन किया। भूकंपों को लेकर हुए इस अध्ययन में पता चला कि 1905 से अब तक इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने पर घर्षण से पैदा हुई कुल ऊर्जा में से भूकंपों के जरिए केवल 3 से 5% ऊर्जा ही निकली है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में 8 से ज्यादा तीव्रता का भूकंप आने की पूरी आशंका है। आपको बता दें कि वर्ष 1905 में कांगड़ा को भीषण भूकंप का सामना करना पड़ा था जिसकी तीव्रता 7.8 मापी गई थी। इस भूकंप की वजह से कनाडा को भारी तबाही का सामना करना पड़ा था। इसके बाद साल 2015 में नेपाल में 7.8 तीव्रता के भूकंप ने तबाही मचाई थी। डॉक्टर कुमार बताते हैं कि उत्तर पश्चिम हिमालय क्षेत्र में इंडियन प्लेट उत्तर दिशा की तरफ खिसक रही है और यूरेशियन प्लेट के नीचे दबाव पैदा कर रही है। अपने अध्ययन को पुख्ता करने के लिए वाडिया इंस्टीट्यूट ने हिमालय में विभिन्न जगहों पर 12 ग्रांड बैंड सीस्मिक स्टेशन लगाए और कई सालों के अंतराल में इन स्टेशनों पर रिकॉर्ड भिन्न भिन्न प्रकार के भूकंपों का विश्लेषण किया। हालांकि इन सभी अध्ययनों के बावजूद डॉक्टर सुशील कुमार ने कहा कि यह नहीं बताया जा सकता कि भविष्य में बड़ा भूकंप कब और कहां आएगा।